जब श्याम सुंदर गए नहीं तो चिट्ठी किसने भेजी? हाँ जी, चिट्ठी तो भेजने वाले ने भेजी, भेजने वाले ने। इसमें देखिए रहस्य है, रहते तो हृदय में। जी ठीक है, इसमें रहस्य जो शास्त्रीय रहस्य है, अपने अपने भाव सबके अलग हो सकते हैं और कोई भी भाव गलत नहीं, पहले तो ये समझ लीजिए। लेकिन क्या है कि हमारा भाव हमारे स्तर के अनुसार होता है। अभी हम यदि दूसरी क्लास के बच्चे हैं तो हमारा भाव दूसरी क्लास जैसा होता है, आठवीं के हैं तो आठवीं जैसा होता है, इंटर के हैं तो इंटर जैसा होता है। अच्छा है, जैसा होता है वैसा अच्छा है, बुरा भक्ति मार्ग में कुछ भी नहीं है। लेकिन शास्त्र का जो भाव है, क्योंकि शास्त्र का कोई स्तर नहीं है, शास्त्र परिपक्व है, शास्त्र के प्रणेता त्रिकालज्ञ हैं, अनुभवी संत ऋषि महर्षि हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं मोटी मोटी, रहने दीजिए, अब दुआ मिल गई, अब दवा की जरूरत नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती हैं मोटी मोटी, जैसे एक उदाहरण से कहते हैं, मैं दे दे की हो या? वो कह रहे हैं दवाई खा लो, वो कह रहे हैं दवाई खा लो। जैसे मैं एक दिन सवेरे सवेरे अपनी कुटिया से निकला और मेरे घर में जो काम करने वाली एक मैया थी, उसने पूछा, गुरुजी कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, मैं मैया दिल्ली जा रहा हूँ, कुछ थोड़ा सा काम है, शाम तक आ जाऊंगा। तो उस मैया को किसी ने पूछा, गुरुजी आज कहाँ गए हैं? बोले दिल्ली गए हैं, कुछ काम है, आ जाएंगे। ठीक है ना? उसके बाद मेरी बेटी ने पूछा, पापा जी आप कहाँ जा रहे हैं? उनका बेटा, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, थोड़े एक हमारे वैष्णव आए हुए हैं अमृतसर से, उनसे मिलने जा रहा। अच्छा अच्छा, आप उनसे मिलने, वो यहाँ नहीं आ सकते? बोले नहीं, वो दिल्ली से फ्लाइट लेके मुंबई जा रहे हैं, वैष्णव है, कुछ काम था, मुझे भी कहा, उनसे मिलने जा रहा। अब बेटी को क्या पता है, पूछा, बोले पापा जी कहाँ गए यार? बोले वो एक वैष्णव अंकल आ रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे, उनसे मिलने गए। बाहर निकला थोड़ा तो मेरा भाई मिल गया, बोले भैया कहाँ जा रहे हो? वो यार दिल्ली जा रहा। कैसे? बोले वो 2 लाख रुपए जो अड़ रहे थे ना, जो अड़ रहे थे 2 साल से, उसका फोन आ गया है, कह रहा आज ही ले लो, एयरपोर्ट पर मेरे पास कैश है। फिर नहीं मानना, बचा हाँ बचा जा, मैं चलू ना। अब भाई को ये पता, भाई से किसी ने पूछा और मैंने भाई से ये और कह दिया, किसी को बताना मत। तो अब भाई को ये पता है कि भैया कहाँ गए हैं बड़े भैया? बोले वो 2 लाख रुपए लेने गए हैं। और भाई को ये पता है कि किसी काम से गए, और बेटी को ये पता है कि वो वैष्णव से मिलने गए हैं। तो श्याम सुंदर की लीला है, स्तर के हिसाब से पता है लोगों को, सबको सबरी बात नहीं पता है। जो रसिक लोग हैं, जो नित्य निकुंज उपासक हैं, जो नित्य प्रिया प्रीतम की लीला में आठों याम रत हैं, उनके लिए श्याम सुंदर गए ही नहीं। वो प्रकाश विभू तत्व है, श्याम सुंदर किसी शरीर का नाम नहीं है। वो तो क्योंकि हमको समझाना है तो उन्होंने शरीर धारण किया हुआ है। नित्य निकुंज के उपासक जितने भी साधक हैं, वृंदावनम परित्यज पादमेकम न गच्छति, एक पग भी नहीं गए, वो सब साधक जानते हैं। ठीक है, अब दूसरे श्रृंगार रस के उपासक हैं, उनका अभी निकुंज में प्रवेश नहीं है,
वो श्रृंगार रस के हैं और उनको ये पता है कि श्रृंगार रस में एक तो स्वकिया है, एक परकिया है, और एक जो है संयोग है, एक वियोग है, और वियोग जो है वो सर्वोपरि है। तो इसलिए वो कहते हैं कि कुछ दिन के लिए लाला को मथुरा भेज दो, जो सखियां और हम लोग वियोग रस का आस्वादन कर लेंगे उनके लिए श्याम सुंदर मथुरा गए, उनके लिए गए हैं। और श्याम सुंदर वास्तव में नहीं गए हैं, क्योंकि यशोदा भी कहती है कि रोज मुझे लगे मैं थाली भर के लड़ाऊं और थाली खाली है जावे, मुझे लगे कन्हैया ने ब्यारू खा लियो और भोजन पा लियो, बहम सो है जाए मैं बुढ़िया है गई हूँ, मेरा दिमाग खराब है गए। और तो श्याम सुंदर कहते हैं ना मैया तुम बुढ़िया ना भाई, मैं आऊं और पा जाऊं तो पतो ना लगे। इस प्रकार से कोई ये कहे कि श्याम सुंदर जाते ही नहीं है वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, और कोई ये कहे कि श्याम सुंदर मथुरा गए फिर लौटे नहीं वो भी ठीक है, और कोई कुछ और कहे, अनेक बात हो सकती है अपने अपने उपास्य अपने अपने रस के हिसाब से कि क्या बात है वो बात सही है, भाव है, रसिकों के अपने अपने भाव हैं, अपने भाव को दृढ़ करना चाहिए। जो विरह रस का आस्वादन करना चाहते हैं वो चाहते तो विरह रस का ही है। और फिर शास्त्र में स्पष्ट वर्णन है, हम कृष्ण की जन्म लीला को यदि देखें, वसुदेव जी के यहां लाला भय देवकी के गर्भ से जेल में वसुदेव जी लेके चले, और यहां यशोदा मैया को एक लाला भाई और एक लाली भाई। अच्छा भाई जेल में तो फिर थोड़ी सी हलचल फलचल सी हुई, खुल गए जाके पहरे वाले, सब सोए गए जाके पहरेदारे, थोड़ी सी हुई, लेकिन यहाँ यशोदा मैया, क्योंकि वो वर्णन या हमारे दिमाग में वो एक प्रक्रिया सी मालूम है कि शिशु ऐसे जन्म लेता है, वास्तव में शिशु लेता है, भगवान कोई गर्भ से जन्म थोड़ी लेते हैं, भगवान तो प्रकट हो जाते हैं, यही अभी तक नहीं, अभी यहाँ प्रकट हो गए प्रकट। तो जब यशोदा के प्रकट हुए हैं, लाली प्रकट हुई है, यशोदा नंदन प्रकट हुई, यशोदा को मालूम है। और वो गोरदास जी तो बड़ी अच्छी तरह से इस लीला को सुनाते हैं कि बोले वो नंद आती थी और यशोदा से पूछती थी कछु भयो का, बोले अभी तो ना भयो, और लास्ट में भी यही कहा कि अभी तो कछु ना भयो के, अरे भाभी तू कह रही है कछु ना भयो, या तो दो दो अब भाई पड़े हैं, बोले अच्छा है गए का, बोले हाँ है गए। ये स्थिति। तो जब वसुदेव जी लाए हैं, वो वसुदेव नंदन कृष्ण यशोदा नंदन कृष्ण में मिल गए, तिरोहित हो गए, और योग माया जो वो जो बहन है उस योग माया को उठा के ले गए। योग माया भगवान की लीला शक्ति है, भगवान को भी नहीं पता कि उन्होंने क्या लीला करनी है, योग माया को पता रहता है कि अब क्या करना है, वो सारे साथ सामान इकट्ठे कर देती। तो दोनों कृष्ण वसुदेव नंदन और ब्रजेंद्र नंदन दोनों के दोनों ब्रज में रहे आए और थोड़े समय तक लीला करते रहे। जब उद्धव आए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कृष्ण गए ही नहीं, अरे कुछ लोगों के लिए गए और कुछ लोगों के लिए नहीं गए। तो अक्रूर घाट है वृंदावन में, अब भी मथुरा रोड पर है, तो वहां स्नान किया है और अक्रूर जी को भी दर्शन थोड़े से कराए हैं, तो वहां वो पृथक हो गए। यशोदा नंदन तो अलक्षित रूप से पुनः ब्रज में आ गए और वसुदेव नंदन अक्रूर के साथ मथुरा चले गए, और बाकी सारी लीलाएं वसुदेव नंदन ने मथुरा लीला कुब्जा कुब्जा के साथ में, अब रसिकों की बात है कि कुब्जा सौत है सही है, लेकिन शास्त्र ये कहता है कि कुब्जा के साथ वसुदेव नंदन का विवाह हुआ, ब्रजेंद्र नंदन का विवाह नहीं हुआ, और वसुदेव नंदन ही आगे द्वारिका गए हैं और वसुदेव नंदन ही गीता के सारथी बने हैं अर्जुन के। अच्छा वसुदेव नंदन को 19 मत आंकना,
भगवान कृष्ण ने चार रूपों में आत्म प्रकट किया। पहला वसुदेव, इसको चतुर्व्यूह कहते हैं, पहला वसुदेव स्वयं, एक जैसे होती है ना फोटोकॉपी, फोटोकॉपी नहीं, जैसे डेथ सर्टिफिकेट की चार की या आठ जितने चाहिए ओरिजिनल निकलती है, फोटोकॉपी नहीं चलती है, वहां कहना पड़ता है निगम में, तो बोले इसकी हमें आप डेथ सर्टिफिकेट दीजिए, बोले कितनी कॉपी, बोले पांच कॉपी, उस हिसाब से वो चार्ज करते हैं, पांचों कॉपी ओरिजिनल होती है, पांचों की पांचों डुप्लीकेट या फोटोकॉपी नहीं होती। तो ऐसे ही ये चारों के चारों समान शक्ति संपन्न है, ऐसा नहीं है कि वसुदेव जी 19 है, या पहले है वसुदेव जी, दूसरे हैं बलराम, तीसरे हैं प्रद्युम्न और चौथे हैं अनिरुद्ध, कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, ये चारों ही साक्षात स्वयं कृष्ण ही हैं और कृष्ण जैसी शक्ति को प्राप्त हैं। तो वसुदेव जी मथुरा गए और उन्होंने ये सब किया, सारथी किया, ये सब करते रहे, तो ऐसा नहीं कि वसुदेव जी कैसे कर पाए होंगे, वो स्वयं भगवान, बिल्कुल स्वयं भगवान, जैसे कृष्ण स्वयं भगवान ऐसे वासुदेव, वसुदेव नहीं वासुदेव, वासुदेव भी स्वयं भगवान। तो वासुदेव ने ये सब मथुरा आदि की लीला की है और अंत में जो ब्रज लीला का संवरण हुआ है वो लोग सब जानते थे, नंद बाबा तक भी, क्योंकि निकुंज के परिकर नहीं है, नंद बाबा यशोदा भी यही जानती थी कि लाला गयो भयो, और सबको ये सूचना थी कि ब्रजवासी अब जो है परेशान हो रहे हैं, लीला संवरण का समय आ गया है, लीला संवरण का समय आ गया है। तो भगवान कृष्ण ने आत्म प्रकट किया ब्रज में, दंत वक्र कंस का अंतिम, दंत वक्र और एक और शंख, शंखचूड़ शायद, शंखचूड़ या मैं भूल रहा हूँ, दंत वक्र और एक और दैत्य था, उन दो दैत्यों को मारा है, बड़ी स्टाइल से मारा है, उससे कहा है बोले भाई ऐसा कर, काय को ये सेना वेना का चक्कर करते हो, या तो पहले तू मुझको मार, मैं मर गया तो बात खत्म, क्या मैं पहले तेरे को मारता हूँ। तो दंत वक्र बोला कि तू मार ले, मेरा तो बिगड़ना नहीं, बोले ऐसे नहीं, तू ही मार ले पहले, अगर मैं राधे राधे हो गया तो तेरा काम बन जाएगा, छुट्टी होगी, और कहीं मैंने तेरे को मार दिया तो दुनिया में ये होगा कि उस गरीब को मार दिया, उसको तो मौका ही नहीं दिया। बोले ठीक है, तो दंत वक्र ने भगवान को मारा, पूरी करी, कुछ नहीं हुआ, बोले अब, बोले ठीक है तुम मारो, भगवान ने एक उसको ढुड़ विषम मुक्का मारा और राधेश्याम, राधेश्याम हो गई, उसको मार के सारे ब्रजवासियों को, सारे ब्रजवासियों के लिए एक विशेष रथ गोलोक से बुलवाया, सारे ब्रजवासियों को विराजमान किया, सारे बैलगाड़ी गाय गऊ धन यंत्र मंत्र जो भी कुछ था, क्योंकि सब चिन्हमय था, उनकी जो लीला की वस्तुएं होती हैं वो सब वहीं से आई हुई चिन्हमय होती हैं, सारी वस्तुओं को चिन्हमय करके, और उसको वो जो कॉपी होती है ना, एक जो कंप्रेस्ड हो जाती है, वो कॉपी बना के सब उस रथ में रखा है, रथ में रख के और अक्रूर गए हैं। राया, राया जो गांव है वही अंतिम लीला का गांव है, जो हाथरस राया, इधर जमुना पल्ली पार माट राया, वहां से गए हैं और वहां से उस अक्रूर घाट पर आए हैं, और सब के सामने वो यमुना में रथ को प्रविष्ट कराया है, जैसे ही रथ को प्रविष्ट कराया है तो सारे ब्रजवासी, सारे ब्रजवासी, अरे ये क्या कर रहा है, उनकी आंखें मिची हैं एक क्षण के लिए, अरे पानी, पानी में पानी, ऐसे किया है, और जब उनकी आंख खुली है तो गोलोक नित्य गोलोक में विराजे हुए सारे के सारे, ऐसे लीला स्मरण किया है यहाँ का, अब यहाँ का तो ऐसे कर दिया, लेकिन वहां द्वारका में किसी ने भगवान कृष्ण को, भगवान द्वारकाधीश को भगवान नहीं माना, एक वीर एक बुद्धिमान, एक बुद्धिमान एक वीर योद्धा वीर राजा माना, एक नर एक मानव एक पुरुष माना, तो वहां ये इस प्रकार का रहस्यमय बात नहीं चलेगी, वहां तो
वो नर वाली प्रक्रिया से उनको गुजरना पड़ेगा, तो वहां वो विराजे हैं और व्याध ने तीर मारा है। व्याध के तीर मारने के बाद वो सारी जो मानवीय प्रक्रियाएं होती हैं शरीर त्याग की, वहां वो की है, वहां वो की है जिससे उनको ऐसा ना लगे कि यार ये सशरीर, कहीं कहीं आता है सशरीर गए हैं, अगर सशरीर करा जाए तो एक बार बंदा कहाँ गया यार, समस्या पैदा हो जाएगी कि नहीं, तो कोई ऊपर लचक्कर हो गया, बॉडी कहां गई। तो वहां उन्होंने वैसी लीला है, सब लीला भगवान के कार्य, जन्म कर्म च मे दिव्यम, हमारी आपकी तरह पाप के लिए या पुण्य के परिणाम में नहीं है, दिव्य है, वो लीला ही करते हैं, सब सारी लीला है। तो उन्होंने वहां पर वैसी लीला की, यहाँ पर ऐसी लीला की। तो बात वही मूल जहां से हम चले थे कि एक बात के कई रहस्य होते हैं, और ये तो आप जानते हैं कि वो तो ठाकुर है, एक हमारे राजनेता भी जाते हैं कहीं देश विदेश, तो पत्रकारों को ये बताया जाता है कि वो फलानी संधि करने गए हैं, अंदर की बात कुछ और होती है, और भ्रष्ट नेता अपनी कमीशन लेने जाते हैं, कोई कुछ करने जाता है, कोई कुछ करने जाता है, तो वो सब जो उनकी भ्रष्टता में शामिल है उनको तो ये पता लगता है कि 200 करोड़ रुपया आ गया, ला भैया अपना हिस्सा कल मिलने वाला है। तो पत्रकार होते हैं वो कहते हैं वो डील करने गए थे, वो जो होते हैं वो ये करने गए थे। तो जब एक छोटे मोटे नेता की तीन चार बातें होती हैं, तो हमारे तो ठाकुर सभी सृष्टि के नियंता हैं, उनकी तो जाने कितनी रहस्य होती है, और वो रहस्य उसी परिकर को पता होता है, और कोई परिकर कहता है नहीं गए, और कोई कहता नहीं गई कि तो नहीं यार तुम किस तरह की गल करता है, ये तो उद्धव जी के फिर किस तरह आए, बोले यार ये तो गलत हो तुम, गलत ये तुम्हारी बात है, ये हमारी बात है। जय जय श्री राधे ताई गौरा। 10-20 मिनट